देखे अरे वो जो मंदिर आप लोगों ने दर्शन किया है, इसी मंदिर में नरसिंह देव यहीं पर बैठे थे। जब यहीं पर नरसिंह देव बैठे थे, उनकी इतने भयंकर रूप था, इतने भयंकर रूप था नरसिंह भगवान की, जिस समय उन्होंने श्री हिरण्यकश्यप को वध किए, क्या उनको विकराल रूप थी, एकदम बाल एकदम बिखरा हुआ, आग चंद्र सूर्य जैसे भयंकर, इतने भयंकर रूप था। सारे देवता लोग यहीं पर आकर के उनको मनाने के लिए कोशिश किया। पहले तो शंकर जी आए मनाने के लिए, हैं? जब शंकर जी आए, ठाकुर जी ऐसे दहाड़ माने ना, शंकर भी वहां से भाग गए वहां से, क्योंकि उनका शंकर जी का नंदी था और शेर का आर होता है नंदी, नंदी तो पूछ खड़े करके भाग गया वहां से, हैं? इतने में वहां पर ब्रह्मा जी आए, लेकिन जब ब्रह्मा जी भी संतुष्ट करने के लिए कोशिश की, ए भगवान नरसिंह देव ऐसे टेढ़ नजर से देखे, बोले तुमने ये हिरण्यकश्यप को भर दिया था ना, किसने भर दिया था हिरण्यकश्यप को, ब्रह्मा जी ने भर दिया था, तीन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, आकाश में नहीं, पाताल में नहीं, आप पृथ्वी में नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, घर नहीं, बाहर नहीं, ये वरदान किसने दिया था, ये ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। और उसने इतने प्रहलाद के ऊपर में इतने उन्होंने अत्याचार उसने की, इसलिए भगवान नरसिंह देव से टेढ़े नजर से देखे, बोले तुमने ये वरदान दिया था इसलिए मेरे प्रहलाद के ऊपर विपत्ति पड़ी, वहां से भाग गए ब्रह्मा जी, वो भी थर थर कांप रहे थे। अरे माता लक्ष्मी को पास में गए, हैं? जब लक्ष्मी को पास में गए, बोला अरे भगवान को मनाना थोड़ी मेरे लिए थोड़ी बड़ी बात है, शांत आकारम भुजग सहनम, वो तो बड़े शांत स्वरूप है। इतने में माता लक्ष्मी भी आ रही, तुम्हारी बगैर ठाकुर को कोई संतुष्ट नहीं कर सकते, तुम ही संतुष्ट कर सकते हो। इसलिए जब प्रहलाद महाराज के लिए सर शेर नहीं, आपका ये रूप तो मेरे को बड़ा प्यारा लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है, हैं? इतने में बोले तुम वर मांगो मेरे से वर मांगो, बोले प्रभु मैं थोड़ी बढ़िया हूँ, जब वर मांगने के लिए आपको उपासना किया, इसलिए जो व्यक्ति आपको पास में ये धन और कुछ वर्मा को क्या चाहते हो आपको, अगर बेटा अगर भक्त हो ना, कितने हृदय उनके दयालु तो देखो, अगर बेटा अगर भजन करता है, हैं? लेकिन देखो जो पिता जिंदगी भर उसको मारने के लिए कोशिश की पूरा जीवन, लेकिन जब भगवान कहते वर्मा को क्या कहता है, बोले मेरे पिताजी को आप उधार कर दो, मेरे पिताजी को उधार कर दो। नरसिंह देव के तेरे पिताजी का नाम क्यों कहते हो, बोले त्रिसप्तम ही पिता पुत्र, तुम्हारी त्रिसप्तम ने तीन सात, बोले तुम्हारी 21 पीढ़ी तो उधार हो गए, 21 पीढ़ी तुम्हारी उधार हो गई, तुम पिताजी का नाम क्यों कहते हो। जिस वंश में एक बेटा प्रभु की भजन करता है, कहते कुलम पवित्रम, उसका कुल पवित्र होता है, जननी कितार्था, जो पिता माता उसको जन्म देते हैं उनका जीवन भी धन्य हो जाता है। और नृत्यंत ईश्वर के पितरी पितर साहब, जो पूर्वज लोग पहले चले गए, वो हाथ हाथ उठा उठा कर नाचने लग जाते हैं, हमारे अहोभाग्य है, हमारी वंश में भक्ति करने वाला बच्चा जन्म हुआ है, हैं? बोले वसुंधरा वसतिश्च धन्या, जिस पृथ्वी महाराज इधर आ जाओ, जिस पृथ्वी के ऊपर वो बच्चा जन्म लेता है, वो पृथ्वी भी धन्य हो जाती है। इतने वंश में अगर कोई एक वैष्णव बच्चा अगर जन्म हो जाए, कीर्तन को चाहिए गलो मारे पीछे कतो पीछे आज आ रहा है। इसलिए जिस वंश में एक बेटा भक्त बनता है, इतने महत्व है, इतना महत्व है जिस वंश में एक बेटा भगवान की भजन कर ले, इतने महत्व। इतने में भगवान नरसिंह देव को उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिरण्यकश्यप का जो सिंहासन था ना, वो हिरण्यकश्यप का सिंहासन में भगवान नरसिंह देव बैठी गए। बोले क्यों बैठी गए, कारण क्या, बोले नियम है आप जिसको मार डालते हो उसका सिंहासन में आपका अधिकार हो जाता है, अधिकार हो जाता है, इसलिए उन्होंने मानो हिरण्यकश्यप का सिंहासन में बैठी गए। बैठ करके इतने में भगवान प्रहलाद को बोला और कुछ वर मांगो, देखो भक्तों का हृदय कितना दयालु होता है, बोले प्रभु एक वर देना चाहोगे, बोले बताओ क्या चाहते हो, बोले ये जगत में जितने जीव है,
बड़े दुख कष्ट पा रहे, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार में दुखी। पर ये पृथ्वी में जितने जीव ये जो दुख कष्ट को भोग कर रहे हैं, वो सारे दुख कष्ट मेरे को दे दो, ये सारे दुख कष्ट मैं भोग करूं। लेकिन ये पृथ्वी का जितने जीव है उनको अपना चरण में स्थान दे दो। श्री प्रहलाद महाराज की देखो, एक भक्त का हृदय कितने कोमल होता है, कितने कोमल। लेकिन भक्त जो बोलता है भगवान स्वीकार करते हैं। बोले तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, सबका दुख तुमको लेने का जरूरत नहीं। मैं एक ब्रह्मांड नहीं, मेरा अनंत करोड़ों ब्रह्मांड है। अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है ना, एक ब्रह्मांड को तेरी इच्छा से, एक ब्रह्मांड को मैं सारे ब्रह्मांड को, एक ब्रह्मांड को उद्धार कर लूंगा। तुमको पाप लेने का कोई जरूरत नहीं। इसलिए भगवान सारे पाप को ग्रहण किए और उन्होंने भगवान नरसिंह देव को उन्होंने सिंहासन में बैठा करके बड़े सुंदर उन्होंने उनकी आरती की। आरती की तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होकर के ठाकुर जी वहीं से अंतर ध्यान हो गए। ये जितने सारे लीला है ना, यहीं पर ये सारे लीला यहीं पर हुई थी। और उस नरसिंह जो भगवान है, कहते जो भक्ति मार्ग है, कहते भक्ति मार्ग यह कोटि कंट गुरु था, भक्ति मार्ग करोड़ों कांटा जुकते है। बोले खुरस धारा, भक्ति मार्ग में चलना और ब्लेड को धार में चलना बराबर है। कोई व्यक्ति शराब पिए, जुआ खेले, मांस खाए, उल्टा पुल्टा कोई काम करे, कोई बाधा देने वाले है? लेकिन देखो, अगर कोई गले में कंटी और तिलक लगा दिया ना, देखना गांव के कुत्ता तक भी तेरे पीछा नहीं छोड़ेंगे। सास ससुर ननद देवर सबके सब तुम्हारी पीछे पड़ जाएंगे। बोलिए कौन सा बीमारी, ये गले में कंटी तिलक तुमने क्या लगा दी। लेकिन गलत काम करो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ नहीं बोलता है। लेकिन जब भक्ति मार्ग, इसलिए बोले भक्ति मार्ग यह पति कंट गुरु था, ये जो भक्ति मार्ग है ये करोड़ों कांटा झुकते हैं। लेकिन ये सारे विपत्ति से हमें कौन दूर करेगा, विपत्ति से। जैसे श्री नरसिंह प्रहलाद गोबर में कितने सारे विपत्ति पड़ी है, लेकिन सारे विपत्ति से कौन उद्धार किया, भगवान नरसिंह देव उद्धार किया। इसलिए हम इनके चरण में आए, हमारी भक्ति में जितने बाधा है प्रार्थना करो, हे नरसिंह देव हमारी भक्ति में जितने बाधा है आपकी कृपा से ही ये बाधा सारे दूर हो सकती है। और क्या, एक दिन ऐसे हो नरसिंह देव का आशीर्वाद मिले और महाप्रभु का प्रेम रस में डूबते हुए निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोलते हुए एक दिन गौरव प्रेम में हम डूब जाए। ठीक है, अभी हमारे दूल्हा आ गया है, अभी हमारे दूल्हा महाप्रभु जी आ गए हैं। अभी वहां पर सुंदर सुंदर कीर्तन होगा, अभी वहां पर कीर्तन सुन करके फिर हम लोग अपना मंदिर में जाएंगे। ठीक है, और वहां पर फिर कथा सुनेंगे। बोले भगवान नरसिंह देव की।